चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। माजी उठ जाना माजी। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तूने मुझे सवेरे सवेरे क्यों जगा दिया पीतल? सोना माजी। हाँ तो सोई तो रही थी मैं। अरे मैं सोना। और तूने सोना है तो सो जा, मुझे क्यों उठा रहा है? माजी मेरा नाम सोना है। वो तो मुझे पता है नबील। क्या हुआ? मैंने आपको विश करने के लिए उठाया है यार। है आज मेरा हैप्पी बर्थडे? नहीं माजी, आज मदर्स डे है। वो क्या होता है? आपको मदर्स डे का नहीं पता? नहीं पता। अरे अगर आपको पता ही नहीं है तो मैं आपको विश क्यों कर रहा हूँ? गुड मॉर्निंग रफीक। गुड मॉर्निंग। आप कुछ भूल रहे हैं रफीक? हाँ याद करें बच्चू। मोमो मैं नहीं, तुम भूल रही हो। किसे? अरे मेरा नाम रफीक नहीं महमूद है, महमूद। हाँ ये तो मुझे पता है शफीक, तो मैं प्यार से बोल रही थी। अच्छा बताएं आज कौन सा दिन है? आज कोई मनहूस ही दिन होगा जो मैंने सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली है। आज बड़ा स्पेशल डे है। वो क्या होता है वो? आज संडे है भाई। आज संडे है? पर मेरे सन लोई ने तो मुझे कहा था कि आज मदर्स डे है। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सन को विश करना चाहिए। किसको? लोए को। अरे यार आज मदर्स डे ही है मोमो। हाँ तो फिर आपने मुझे हैप्पी क्यों नहीं कहा? हैप्पी नहीं, तुम्हें हिप्पी कहने का दिल कर रहा है मेरा। है? अरे मदर्स डे का मतलब होता है माओ का दिन, और इस दिन अपनी माँ को विश किया जाता है। नबील ने तुम्हें विश नहीं किया? नहीं। अरे तू जाओ ना, उसे याद दिला और उसे गिफ्ट भी ले लेना। वश्या वश्या। जाओ जाओ। कौन है? ओए अकील से बोल, उसकी माँ आई है। नबील उठो यार, जाओ देखो क्या मसला है। क्या आई है? और क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? उधर मैं तुझे विश करने आई थी। ओ माँ जी विश होता है? मैं कौन सा अंदर कुश्ती लड़ रहा हूँ माँ जी, जो मुझे विश करने आ गई आप? पुत्र आज मदर्स डे है ना। हैप्पी मदर्स डे माँ जी। चल अब मेरा वो निकाल। वो क्या? वो जो तूने मुझे देना था। ओ माँ जी मैंने आपको क्या देना था? वो जो बर्थडे पे देते है ना केक। ओ केक नहीं, वो जो लोग लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं लोग माँ जी? और वही जो गिफ्ट पेपर में होता है ना। हाँ हाँ गिफ्ट। चल मेरा गिफ्ट निकाल। ओ माँ जी आपका गिफ्ट कहाँ से निकालना है? अरे नबील आज मदर्स डे है, तुम अपनी माँ को कोई तोहफा नहीं दोगे? तो बस करने यार महमूद साहब, आपने अपनी माँ को कौन सा गिफ्ट दिया भाई? अरे अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं जरूर देता। क्या? तसल्ली। वो जो आप अपनी माँ जी को देते है वो तसल्ली होती? हाँ जी। ठीक है माँ जी, फिर मैं भी आपको तसल्ली ही देता हूँ। ओ माँ जी प्लीज आप मुझे सोने दें। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी माँ जी? ओ कुछ नहीं जानू, मदर्स डे का गिफ्ट मांग रही थी यार। और तुमने क्या कहा? ओ मैंने क्या कहना है जानू, घर में चाय की पत्ती नहीं है, माँ जी को गिफ्ट कहाँ से दूँ? तुमने कौन सा उन्हें चाय की पत्ती गिफ्ट करनी थी नबील? ओ यार छोड़ो, खाम खा के चोचले होते हैं ये। गलत बात है नबील, माँ जी की बर्थडे तक पे तुम उन्हें कुछ नहीं देते। साल में एक दफा तो ये दिन आता है, कुछ तो देना चाहिए ना उन्हें, आखिर माँ है तुम्हारी। जानू तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। ठीक है मैं माँ जी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आता हूँ। ये हुई ना बात। निकालो 2000। किस बात के? जानू वो मेरी माँ है, मैं 2000 से कम का गिफ्ट थोड़ा दूंगा उनको। अगर मेरे पास 2000 रुपए होते तो मैं चांदी को ना दे देती कि वो मुझे गिफ्ट दे दे। अभी तो माँ जी को कोई ऐसा गिफ्ट भी तो दे सकते हो ना जिसपे कोई पैसे खर्च ना। जानू ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है यार? सोचो नबील, कोई तो ऐसी चीज होगी जो हमें खरीदनी ना पड़े और जिसे देखे माँ जी भी खुश हो जाए। एक काम करता हूँ जानू। क्या? माँ जी को ना बाजार का एक चक्कर लगवा देता हूँ, माँ जी लॉन के नित नए डिजाइन देख के खुश हो जाएंगी। शट अप नबील, कुछ और सोचो यार जिससे माँ जी का दिल खुश हो जाए। यार ऐसा क्या हो सकता है? अरे मोमो तुम तो जानती हो नबील को, अब तुमने इतना ढीठ बच्चा पैदा किया कोई क्या कर सकता है? गुलाम हो गया इस्तेहकाम। यार मदर्स डे पे तो मत रोना। मुझे तो मेरी माँ याद आ रही है ममनून। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं तुम्हारी अभी बात करवा देता हूँ। किन से? अरे तुम्हारी माँ से यार। वशी वशी। हाँ ये लो अभी बात करवाता हूँ तुम्हारी है। हेलो
हेलो हेलो हेलो जी एक मिनट ये लो बात करो। हेलो कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। अरे अभी तो कोई मर्द बोल रहा था। हाँ, अब मैं औरत हूँ। अरे कौन बोल रहा है भाई? मैं दिलशाद बात कर रही हूँ मम्मी जी। अम्मा। हाँ, मैं अम्मा बात कर रही हूँ मम्मी जी। ओहो इधर लाओ फोन मुझे दिखाओ। हेलो जी मैं महमूद बात कर रहा हूँ। कौन महमूद? अरे मुमताज का शौहर। अरे तूने आदमी से शादी की हुई है? नहीं, नहीं 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 जी मुमताज मेरी बीवी का नाम है। तो मैं क्या करूँ, मुझे फोन क्यों किया? मुमताज ने आपसे बात करनी थी ना। अरे कौन मुमताज? मैं किसी मुमताज को नहीं जानती। फोन रख। अरे मोमो कि तुम्हारी माँ को भी भूलने की बीमारी हो गई है क्या? हाँ, वो ना कभी कभी भूल जाती है। अरे वो तो तुम्हें भी नहीं पहचान रही क्या? हाँ? अरे मेरी माँ मुझे भूल गई। कितनी बारी का है, कितनी बारी का है, मुझे मेरी माँ के पास ले जा रहा, भूल गई ना वो मुझे। आपने नबील को देखा है? टीवी पर? अरे नहीं यार घर पर। भाई जाहिर है घर में ही देखा है। वो कौन सा को बाहर काम करने जाता है जो उसे बाहर देखूंगा, हर वक्त तो घर में पड़ा रहता है। क्या आप कह रहे हैं? ये मेरी आवाज नहीं लग रही। अरे बताएं यार नबील का है। अरे मुझे क्या पता भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, पता नहीं अब कहाँ है। पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे भी बता कर नहीं गया। अरे उसने कहाँ जाना है खूबसूरत, ज्यादा से ज्यादा ये डब्बू की दुकान पे गया होगा जो गली की नुक्कड़ पे है। उसने डब्बू खेलना शुरू कर दिया? अरे उसे खेलना कहाँ आता है, वो तो उसके मवाली दोस्त उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब उसने मोहल्ले के मवाली लड़कों के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया। जाहिर है उसने सिगरेट जो पीनी होती है, अब कोई शरीफ लड़का तो उसको कंपनी नहीं देगा ना। उसने सिगरेट पीनी भी शुरू कर दी है? अरे नहीं भाई, वो तो गुटके से जान छुड़ाने के लिए सिगरेट पीता है। क्या अब क्या करे बेचारा, कोई काम जो नहीं है करने के लिए। महमूद साहब अब अगर हम कुछ अरसे और इस मोहल्ले में रहना तो नबील बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ खूबसूरत, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते ना, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं रहने के लिए। What? लगता है आ गया। आ तो जाए, अभी लेती हूँ उसकी खबर। हाय पुप्पू जी। हाय मेरी भांजी रशीदा, कैसी है तू? कैसी है पुप्पू जी आप? अरे खूबसूरत मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि तुम्हारी सास की माँ की याददाश्त भी तुम्हारी सास की तरह हो गई है। What? आप आए कैसे? वो तेरा भतीजा है ना जमाल, वो मुझे लेकर आया यहाँ। ना तो वो कहाँ है? माँ जी कैसा लगा आपको सरप्राइज गिफ्ट? कहाँ है सरप्राइज गिफ्ट? ओ मैं नानी अम्मा को आपके पास लेके आया हूँ ना, आप याद कर रही थी ना। ओए ये मेरी अम्मा है। अरे तू मेरी बेटी गुलार है? मुमताज। हाँ ये मुमताज है। हाय मेरी बेटी। नानी अम्मा आराम से बैठ के बात करते हैं। जानू नानी अम्मा के लिए ठंडी सी लस्सी बनाओ। उसकी क्या जरूरत है नबील, माँ जी बना तो रही है। जो कहा जाए ना वो कर। चल वो मेरी बैठे। ये किसका घर है? नानी अम्मा ये हमारा घर है। तुम तो बहुत बड़े घर में रहते थे, ये कहाँ गए? लगता है नानी अम्मा आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे। हाय तेरे नाना के जंगलों के किस्सों से फुर्सत मिली है तो कुछ देखू ना। जंगल नहीं दंगल अम्मा जी। तूने फिर मुझे अम्मा जी बोला? अरे मैं आपका दामाद हूँ भाई। इसको मौत पड़ी थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? है? ए, मेरे मियाँ से भी एक दो साल उम्र में बड़ा ही होगा तू। नानी अम्मा आप बैठे आराम से बैठे। मैं इस गर्मी में बैठूंगी? पुत्र मेरा सामान जरा एसी के कमरे में रखा। जाओ नबील अम्मा जी का सामान पड़ोस के घर में रखा। हाँ क्योंकि इस घर में तो एसी है ही नहीं। अरे इस घर में एसी नहीं था तो मुझे क्यों लेकर आए, मैं इस गर्मी में नहीं रह सकती। हाँ छोड़ मुझे। नानी अम्मा आप तशरीफ ले आई हैं तो एसी भी आ जाएगा, आप बैठे ना। हाँ माँ जी आप बैठे। आप दोनों यहाँ बैठ के वो करें, महमूद साहब मैं और आप
वहाँ जाके वो करते हैं। वो जो हमने उधर जाके करना है वो है। हाँ जी आइए जी आइए। यार नबील क्या पहले मुसीबतें कम थी अब पर जो तुम एक नई मुसीबत उठा लाए हो। ओ यार महमूद साहब माँ जी नानी अम्मा को याद कर रही थी, मैं उन्हें ले आया ताकि माँ जी को सरप्राइज गिफ्ट दूँ मदर्स डे पे। नबील ये सरप्राइज गिफ्ट हमें बहुत महंगा पड़ने वाला है। ओ कुछ नहीं होता यार महमूद साहब, माँ जी और नानी अम्मा कितनी खुश है, देखे हंस हंस के बातें कर रही है, जरा सुने। अरे क्या खाक सुनूं मैं, अरे उन दोनों की बातें तो उन दोनों को खुद समझ में नहीं आ रही होंगी। अच्छा अम्मा जी वो बताएं, वो जो वहाँ वो रहते थे ना वो कैसे? अरे भाई वो तो अपने उनके साथ वहाँ चले गए। लेकिन वो तो वहाँ जाना चाहते ही नहीं थे। अरे पुत्र जो उसमें लिखा होता है उसे कौन वो कर सकता है। वो तो है माँ जी, अब खुद को ही देख ले, जब तेरी वो हुई थी तुझको पता था कि तेरी इतनी वो हो जाएगी। वो तो है अम्मा जी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब आपने वो करना था तो उस वक्त आपने उसको क्यों नहीं बोला कि वो जाके वहाँ वो कर ले। अरे मेरी सुनता ही कब है, जब से उसकी वो हुई है ना वो बड़ा अजीब सा हो गया है। अरे नबील इन दोनों की वो सुनकर तो मुझे वो आने लग गए हैं। सब आप वो करें सब वो हो जाएगा। है? लड़की वो मांगी थी कहाँ रह गई? ये ले नानी अम्मी, ये रही आपकी वो। अरे वो क्या, तुझे इसका वो नहीं पता? क्या नहीं पता नानी अम्मी? वो जो मैं दिलशाद के अब्बा का नहीं लेती। माँ जी का नाम दिलशाद नहीं मुमताज है। हाँ नाम, तुझे इसका नाम नहीं पता? बताया तो है मुमताज। अरे इसका नहीं, ये तो बना के लाई है ना उसका। लस्सी? हाँ लस्सी बनाई है ना तूने? मैंने कहाँ बनाई है नानी अम्मा, लस्सी तो आपने बना दी है। माँ जी आप लस्सी पिए। जहर मिलाया इसने? जहर नहीं था ना घर पे। वरना मिला देती है। मैंने कब कहा ये? हाय मनाज तेरी वो तो बड़ी फुहड़ बहू। हाँ तेरी फुहड़ तो बड़ी बहू है, क्या गोरी चमड़ी देखकर शादी की थी अकीद ने? नबील आया जानू, नानी अम्मा आप लस्सी पिए। क्या हुआ जानू? तो मेरे साथ आओ, मैं अभी आया नानी अम्मा, आओ जानू आओ। और लाओ जाके मदर्स डे का सरप्राइज गिफ्ट। ओ मैं कब ला रहा था यार, इसने बोला माँ जी को गिफ्ट दो तो मैं ले आया। मैंने कब कहा था कि यही गिफ्ट लेके आना है नबील? ओ जानू फ्री में तो यही गिफ्ट आता है ना यार। ये फ्री का गिफ्ट बहुत महंगा पड़ा है हमें। अरे यार जरा सोचो, अभी आए उन्हें 10 मिनट नहीं हुए और हम सब पागल हो गए। अगर वो 2-3 दिन और यहाँ पे रह गई तो हम सब तो खुदकुशियाँ कर लेंगे। तुम तीनों काम चोर यहाँ क्या कर रहे हो? सनबाद नानी अम्मा सनबाद। बकवास बंद कर, तुझे देखे तो ऐसा लगता है कि जमाने से नहीं नहाया तू। ओ वो लड़की खूबसूरत नानी अम्मा। खूबसूरत लगती होगी तुझे, बात सुन मेरी। जी बोले। पूरा घर वो हो रहा है, चल जाकर पूरे घर की वो कर, एकदम वो चाहिए घर मुझे। हाँ और ये तीनों वो क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? जानू नानी अम्मा के कहने का मतलब ये है कि पूरा घर गंदा हो रहा है, पूरे घर की सफाई करो, नानी अम्मा को पूरा घर साफ सुथरा चाहिए। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि ये वो कह रही है? 1 घंटा मैंने नानी अम्मा के साथ टैक्सी में गुजारा है, सब आसान काम नहीं है। चल भाई वो शुरू कर। जाओ खूबसूरत, अगर तुम बच गई ना तो शाम को मुलाकात होगी। तू क्या करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि आज ही नौकरी कर लूँ। जो जिंदगी में तूने नहीं की तो वो करेगा। चल मकड़ी के वो साफ कर। वो क्या? जूते। ओ यार मैं मुसब क्या हो गया आपको, मकड़ी के जाले बोल रही है नानी अम्मा। जो मैंने साफ करने हैं वो मकड़ी के जाले हैं। हाँ जी। और अकील तू भी सुन ले। आप बेफिक्र है नानी अम्मा, मैं इन लोगों पे नजर रखूंगा। बकवास बंद कर और अंदर आके मेरे पैर दबा। जी आया नानी अम्मा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। ये तेरी वो है ना, इसको इतना वो देने की जरूरत नहीं है। इस साथ वो कर वरना सर पे चढ़ जाएगी। आप वो ही ना करें माँ जी,
मैं इसको वो करके दिखाऊंगी। नानी अम्मा नींद आ रही है। नहीं नहीं मुझे अभी नींद नहीं आ रही, अभी तो मैं शमशाद से वो कर रही हूँ। नानी अम्मा मुझे नींद आ रही है। चुप करके दबाता रहे, मुझे पता है अच्छी तरह तूने कमरे में जाके अपनी उसके पाँव दबाने होंगे। नहीं नानी अम्मा मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं अपने कमरे में जाऊंगा अपने पैरों से अपने हाथ दबाऊंगा। मेरी माँ की खिदमत कर, इनके पैरों के नीचे ना वो है। यार हमें तो निकालना ही था, आपको क्यों निकाल दिया आपके कमरे से? यार अजीब औरत है यार, कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसके साथ नहीं सो सकते। What? हाँ नबील बस बहुत हो गया यार, नानी अम्मा तो हमें मार के ही दम लेंगी। प्लीज भेजो। ओ जानू कैसे निकालू, वो तो हफ्ता भर रुकने का प्लान कर रही है। अरे मैं मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा। नबील मरने से याद आया। क्या जानू? नबील हम नानी अम्मी को आवाज बनाकर फोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया, फौरन वापस आ जाए। कैसा? ओ जानू नानी अम्मा की अम्मा को मरे हुए जमाना गुजर गया। ओ यार नबील उन्हें याद कहाँ रहता है, यहाँ से चली जाएंगी फिर भले उन्हें याद आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारी तो जान छुटेगी। हाँ नबील ये बिल्कुल ठीक कह रही है, लगाओ फोन। मैं? हाँ आपको लगाऊं फोन? अरे नहीं नानी अम्मा को। अच्छा हेलो। ओ बलकीस तेरी माँ का इंतकाल हो गया, ओ जल्दी कर पहुँच, ओ तेनू बड़ा याद कर रही सी। हाय हाय शताब शताब, हाय हाय जया मत आ गई, इसका मतलब है हम सब जन्नत में जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मेरी माँ मर गई। माँ जी? अरे इसे बाद में उठाएंगे, पहले नानी अम्मा को चलता करो। अरे पुत्र शर्जील, अरे मुझे टैक्सी करा दे, अरे मेरी माँ मर गई है, मैं बस अड्डे तक जाऊंगी, अरे जल्दी कर दे। ओ नानी अम्मा इस गली की नुक्कड़ पे ना काली पीली टैक्सियों की लाइन लगी होती है, कोई भी पकड़े और निकले। अरे नबील क्या कर रहे हो यार, खुद जाकर नानी अम्मा को टैक्सी में बैठा के आओ। ओके बाबू साहब जल्दी जाओ। अरे मेरी शादियों को तो कोई उठाए। अरे दफा करें इसे, आप इस वक्त सिर्फ अपनी अम्मा के बारे में सोचे। नानी अम्मा और जल्दी करें नानी अम्मा, आपने जाके अपनी माँ का आखिरी दीदार भी करना है। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़ नानी अम्मा, हम आपको बहुत याद करेंगे। चल झूठी चल 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 नानी अम्मा आ जाए आ जाए नानी अम्मा। खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। शुक्र है खूबसूरत बला टली। हाँ महमूद साहब अब मैं आराम से सोऊंगी अपने कमरे में। नानी अम्मा नानी अम्मा नानी अम्मा, मुझे तो याद आया कि मेरी माँ को मरे हुए 10-12 साल हो गए, किसी ने मजाक किया होगा। क्या वो तो अच्छा हुआ मुझे गेट पे याद आ गया, मैं तो अपनी बेटी क्या एक महीने के लिए रहने आई थी, इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ मैं। हाँ सरप्राइज जाना। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा कोई।